अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पिरेंट, आई एम फखर हयात। टुडे इज आवर सेवन लेक्चर ऑन मैस कम्युनिकेशन फॉर पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। एस्पिरेंट्स, अपने फर्स्ट सिक्स लेक्चर्स में हमने राउंड अबाउट फर्स्ट पेपर का 50% सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपने लेक्चर्स तमाम लेक्चर्स तवज्जो के साथ सुने हैं और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है बातों को, तो आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आगे लोगों को बयान कर सकते हैं। तो सिलेबस अपने सामने रख लें, जो हार्ड कॉपी आपने डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से, पीपीएससी की वेबसाइट से, सिलेबस को सामने रखें और देखें कि आपके सिलेबस में पीएमएस के फर्स्ट पेपर में एक फोर मेन पॉइंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स इन अपलिफ्टिंग द मुस्लिम प्रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। बर्रे सगीर में मुसलमान स्कॉलर्स का क्या रोल रहा जर्नलिज्म को डेवलप करने में, और जर्नलिज्म को इन लोगों ने कैसे डेवलप किया बर्रे सगीर में। सर सैयद अहमद, पांच लोगों का आपके सिलेबस में मौजूद है। सर सैयद अहमद खान, मौलाना जफर अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हमीद निजामी और मौलाना हसरत मुहानी, ये पांच लोग आपके सिलेबस में शामिल हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एस्पिरेंट्स, वैसे तो इन लोगों की जिंदगियों में इतना कुछ अवेलेबल है। वैसे तो मुसलमानों की मदद करने में, मुआशरे को अपग्रेड करने में, लोगों की मदद करने में और खसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो तहरीकें चली वहां पर बर्रे सगीर में, फ्रीडम मूवमेंट्स जितनी हैं उनमें इन लोगों का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इनकी लाइफ पर इतना डाटा अवेलेबल है, इन्होंने इतने अपनी लाइफ में एफर्ट्स की हैं फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड फॉर द पीपल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो इनकी लाइफ में इतना डाटा अवेलेबल है कि इनकी लाइफ पर वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखी जा सकती हैं और मार्केट में सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं जो सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं, इनके अहम कारनामों पर रोशनी डालती हैं। तो इसलिए जब आप सर सैयद अहमद खान को डिस्कस करने बैठें तो ये बात माइंड में रखें कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। तो हमारे सिलेबस में सर सैयद अहमद खान का सिर्फ इतना पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खान का क्या रोल है फॉर जर्नलिज्म, इन्होंने सहाफत को कैसे बूस्टअप किया, इन्होंने अपना हिस्सा कैसे डाला अपनी राइटिंग्स के जरिए मुस्लिम प्रेस को बूस्टअप करने के लिए इन सब कॉन्टिनेंट। तो आपने सिर्फ लिमिटेड सा रहना है, आपने वाइड ज्यादा डाटा फ्राहम नहीं करना। वैसे तो इनकी जिंदगी पर अगर पॉलिटिशियन इनको एज अ डिस्कस करें तो इनकी जिंदगी पर इतना डाटा अवेलेबल है कि आपको बुक्स, जो 1000 पेजेस की बुक्स हैं वो भी कम हैं। अगर इनको आप एज अ रिफॉर्मर लिखना चाहें इनके लाइफ पर, तो इतना डाटा अवेलेबल है कि बुक्स लिखनी पड़ेंगी। अगर इनको आप एज अ जुडिशियल ऑफिसर इनके लाइफ पर आप लिखना चाहें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इनकी लाइफ का वो पोर्शन टच करना है जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस का पोर्शन है। हमने सिर्फ अपने सिलेबस की तरफ जाना है। तो ये वो लोग हैं जो कौम के मामार कहलाते हैं, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। जो लोग आम पब्लिक के लिए, लोग जो कुर्बानियां देते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं।
जिन लोगों के पीछे करोड़ों लोगों की दुआएं हों, वो लोग आम लोग नहीं रहते, वो खास हो जाते हैं, वो उन पर अल्लाह ताला की खास करम नवाजी होती है। तो ये लोग उन लाखों करोड़ों लोगों में से हैं जिन्होंने आम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, जिन्होंने लोगों की आजादी के लिए काम किया। तो इसलिए इनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा कंटेंट्स, बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल है। ये कौम के हीरो हैं। तो आज के हमारे सिलेबस में हमने सिर्फ इनकी लाइफ का थोड़ा सा वो पोर्शन टच करना है जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, जो सहाफत से रिलेटेड है, जो इन्होंने किसी भी तरीके से अपनी राइटिंग्स से, अपनी बुक्स से, जो कुछ इन्होंने लिखा, इनकी जो राइटिंग्स हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी, इनकी राइटिंग्स की क्या पार्टिसिपेशन है मुस्लिम प्रेस को अपग्रेड करने में, मुस्लिम प्रेस को बूस्ट अप करने में इन सब कॉन्टिनेंट। अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं। पीएमएस मैस कम्युनिकेशन लेक्चर 7, रोल ऑफ मुस्लिम लीडर्स टू अपलिफ्ट मुस्लिम प्रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो आपका लिमिटेड सा सिलेबस सिर्फ ये है कि इन हजरात का मुस्लिम प्रेस को अपलिफ्ट करने में, मुस्लिम प्रेस को बूस्ट अप करने में, मुस्लिम प्रेस को फर्दर सक्सीड करने में इनका क्या रोल है। सिर्फ प्रेस से रिलेटेड आपने रहना है। वैसे ये लोग पॉलिटिशियंस भी हैं, राइटर्स भी हैं, फिलोसफर्स भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ प्रेस से रिलेटेड इनकी जो राइटिंग्स हैं उन पर रोशनी डालनी है। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑफ ऑल है सर सैयद अहमद खान, 1817 से 1898, 1817 में पैदा हुए, 98 में फौत हुए। बेसिकली ये लॉयर हैं, चीफ जज भी रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, बरेसगीर में, पॉलिटिशियंस, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर तो आप इनको नहीं कह सकते, सॉरी, ये 19 सेंचुरी के मिड की बात है, अराउंड व्हाट, ये 19 सेंचुरी में। बहरहाल एक बेहतरीन रिफॉर्मर आप कह सकते हैं, जिन्होंने बर्रे सगीर के लोगों के लिए, जब ब्रिटिश का राज इतना मजबूत था कि कोई ऐसा बंदा नहीं था, बहुत कम लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश की आंखों में आंखें डालकर अपने मुसलमानों की हमदर्दी के लिए, अपने मुसलमानों को जगाने के लिए, अपने मुसलमानों को आगे लाने के लिए, अपने मुसलमानों के उनके खोए हुए हकूक दिलवाने के लिए जिन लोगों ने काम किए, सर सैयद अहमद खान इज वन ऑफ देम। ये वो लोग थे जो वक्त के जालिम हुक्मरानों के सामने डट जाया करते थे। ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इतना जहन, इतना अजीम शान फहमो फरासत दी थी कि ये लोग अपनी हिकमत अमली से हुक्मरानों को मुतासर कर लिया करते थे और अपने हकूक, अपने मुसलमानों को अपने लोगों के हकूक दिलवाने के लिए कामयाब हो जाया करते थे। सर सैयद अहमद खान अवार्डेड ऑनरी पीएचडी इनको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से 1898 में पीएचडी की डिग्री अवार्ड की गई, पीएचडी इन लॉ, एलएलडी भी इसको कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक स्केच है इनकी जिंदगी के बारे में कि ये कौन थे। पॉलिटिकल राइटर भी थे, ह्यूमन एक्टिविस्ट भी थे, फिलोसफर्स भी थे, लॉयर भी थे, जज भी थे। तो इनका अब हम वर्क देख लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। वर्क इनका, इनका वो वर्क जिसने उस इलाके के लोगों को, मुसलमानों को जगाया, जिन्होंने मुसलमानों की हेल्प की, जिन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा लिखा जिससे लोगों की जिंदगियां चेंज हुई, जिन्होंने ऐसा कुछ लिखा जिसने मुसलमानों की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा किया। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुतबाते अहमदिया 1900 में लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी राइटिंग है खुतबाते अहमदिया। इसकी डिटेल में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम चीजों को कंसाइज देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
खुतबात-ए-अहमदिया की या इनकी किसी भी, अब इन ये पूरी पूरी बुक्स हैं, इन पर इतना डाटा अवेलेबल है कि आपके पास सफिशियंट टाइम होना चाहिए इनको पढ़ने के लिए। बहरहाल इनका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप जरूर किसी बुक्स में पढ़े, आपको बुक मिलती है ऑनलाइन मिलती है, आप इनको पढ़ें अंडरस्टैंड करें। तहजीबुल इखलाक, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, लॉयल मोहम्मडंस ऑफ इंडिया, अहकामुल तमाम अल किताब, रिसाला असबाब बगावते हिंद जो कि बहुत मशहूर हुआ था, तबयीनुल कलाम। तो ये इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम प्रेस को अपग्रेड किया, मुस्लिम प्रेस को मुतासर किया, मुस्लिम प्रेस को इन्होंने मजीद मजबूत बनाया। इनकी राइटिंग्स ने मुस्लिम प्रेस की एक बुनियाद रखी, इनकी राइटिंग्स ने मुस्लिम प्रेस को वहां पर उस इलाके में स्ट्रॉन्ग किया बरसगीर में। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ जर्नलिज्म से रिलेटेड, तो जर्नलिज्म से रिलेटेड अब इनको जब अपने पेपर में डिस्कस करेंगे तो आप इनकी राइटिंग्स का जिक्र करेंगे और इनकी राइटिंग्स पर आप 2 से 4 लाइंस लिखते जाएंगे और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन दें, इनकी लाइफ पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर इनकी राइटिंग्स पर आ जाएं, इनका थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते जाएं और एंड पर आपने कंक्लूजन दे देना है कि ये इन्होंने किस तरह से मुस्लिम प्रेस को बूस्ट अप किया, मुस्लिम प्रेस को स्ट्रेंथन किया, मुस्लिम प्रेस को अपग्रेड किया, मुस्लिम प्रेस को किस तरह से इन्होंने मजबूत किया। तो अगर हम इसमें डिस्कस करते, ये इनकी जितनी राइटिंग्स हैं इनका मकसद था मुसलमानों को उनके हकूक दिलवाना। एक मैं आपको इनका एक मजमुई सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं, एक मजमुई पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सर सैयद अहमद खान वो हस्ती हैं, वो लोग हैं कि जब ये लोग मुआशरे में इधर उधर इन लोगों ने देखा कि गोरे का राज है, ब्रिटिश राज चल रहा है और अदर कम्युनिटीज जो हैं, अदर जो लोग हैं, अदर रिलीजन्स जो हैं वो गोरे के साथ, ब्रिटिश के साथ मिल चुके हैं और मुसलमानों को ऐसा कम्युनिटी ट्रीट किया जा रहा है और मुसलमानों को उनके जो वाजिबुल हकूक हैं, उनके जो हकूक उनको मिलने चाहिए, उनके जो बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए, वो उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं मिल रहे। तो इन लोगों में एक हमदर्दी पैदा हुई कि अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो इन्होंने मुसलमानों की हमदर्दी के लिए बहुत कुछ किया। सर सैयद अहमद खान की लाइफ को कंप्लीट पढ़ने के लिए आपके पास जिंदगी में एक सेपरेटली टाइम होना चाहिए। आप लाइब्रेरी दी जाएं, सर सैयद की बुक्स आप कलेक्ट करें, आपको 100 बुक्स मिल जाएंगी। आपको अंदाजा होगा कि ये लोग कौन थे, इन्होंने किस तरह से इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, किस तरह से इन्होंने अपने लोगों की हेल्प की, किस तरह से इन्होंने मुसलमान में, बर्रे सगीर में जो मुसलमानों के साथ जुल्म व ज्यादतियां हो रही थी, उन जुल्म व ज्यादतियों को किस तरह से ये राइटिंग्स में लेकर आए और इन्होंने अपने कलम की ताकत से किस तरह से मुसलमानों को उनके हकूक दिलवाने में दिन रात कोशिशें की। तो ये जो दिन रात की कोशिशें हैं मुसलमानों को उनका हकूक दिलवाने में, वो इस शक्ल में मौजूद हैं। इनके जो राइटिंग्स हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, अंडरस्टैंड। अब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप जब भी कभी डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड एक रिसाला इन्होंने जारी किया था, रिसाला ए असबाब बगावते हिंद, असबाब बगावते हिंद। उसमें इन्होंने कोशिश की थी कि मुसलमानों को पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए मुसलमानों का। याद रखें कि हमने नेगेटिविटी में नहीं जाना कि लोग सब सैयद अहमद खान को ये समझते थे ये तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, इनको ये खिताब मिला, इनको ये खिताब मिला, लोगों ने इनको
ये तो जो है डुअल नेचर थे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। नेगेटिविटी में हमने नहीं जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रहना है पॉजिटिविटी में, और पॉजिटिविटी के बाद हमने रहना है सिर्फ प्रेस से रिलेटेड, सर सैयद अहमद खान की लाइफ से रिलेटेड। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो जो जंगी आजादी है 1857 की, उस जंगी आजादी के बाद ब्रिटिश के दिल में, गोरे के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भर चुकी थी, और ब्रिटिश जो के हुक्मरान थे, जो रूलर्स थे, उनको मुसलमानों के कंपेटिटर, मुसलमानों के जो अपोजिशन के रिलीजन्स थे, उन्होंने ब्रिटिश को चीखों पुकार करके बताया कि इतनी बड़ी जंग लड़ने के पीछे मुसलमानों की स्ट्रेटजी है, मुसलमानों का हाथ है। तो गोरे ने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, मुसलमानों को जॉब से, नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके बेसिक हकूक जो हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, वो सलब कर लिए गए। तो उस दौर में अल्लाह ताला ने एक मुजद्दिद भेजा, उस दौर में अल्लाह ताला ने एक हस्ती भेजी। हर एक बात याद रखें, वक्त के हर फिरौन के लिए एक मूसा आता है। ये एक आमन कॉमन बात है, लोग एग्जाम्पल्स देते हैं कि जब भी मुआशरे में जुल्म की इंतहा होती है, जब जुल्म अरूज पर होता है, तो उस मुआशरे में लोग अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, तो उन लोगों का पर फिर एक मसीहा भेजा जाता है। तो अगर हम ये कहें कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादतियों की इंतहा हो रही थी बरेसगीर में, और स्पेसिफिकली आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त मुसलमानों की हमदर्दी के लिए, मुसलमानों की उनके हकूक दिलवाने के लिए, मुसलमानों के साथ खड़ा होने के लिए, और जाबर और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अल्लाह ताला ने एक मसीहा भेजा, जिनको आप सर सैयद अहमद खान का नाम दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम का भला सोचा है, ये वो लोग हैं जो रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में रहेंगे, लोगों की धड़कनों में रहेंगे, लोगों की दुआओं में रहेंगे। तो रिसाला असबाब बगावते हिंद, इसमें सर सैयद अहमद खान ने एक अपनी तरफ से एक पॉजिटिव कोशिश की थी कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके पीछे सिर्फ मुसलमानों का हाथ ही नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको इन्होंने डिस्कस किया, और गवर्नमेंट के सामने, रूलर्स के सामने, हुक्मरान ब्रिटिश गोरों के सामने इनको पेश किया इस रिसाले को, जिससे मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही थी उनमें कमी वाकया हुई। तो ये एक इनकी बहुत आला पेश रफत थी इस बात को बावर कराने के लिए कि जंगी आजादी के पीछे सिर्फ मुसलमानों का हाथ ही नहीं था। बहरहाल हम अपनी बात को शॉर्ट करते हैं, इनकी लाइफ पर इतना डाटा अवेलेबल है, इतना कुछ बोला जा सकता है जितना आप सोच सकते हैं। हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम टॉपिक को क्लोज करते हैं, समराइज करते हैं। इस तरह से इनकी अगर ये बुक को देखा जाए, तबीयतुल कलाम, ये है कॉमन मुस्लिम टू ब्रिंक, हाँ ये भी एक इसी तरह की बुक है, तबीयतुल कलाम। इसका भी यही मकसद था कि जो मुस्लिम्स और ब्रिटिश हैं उनको क्लोज किया जाए। तो सर सैयद अहमद खान की कोशिश यही रही है इनकी पूरी जिंदगी में। अगर आप देखें मदरसा मुरादाबाद, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर इनकी लाइफ, फिर इनकी जो पोस्टिंग्स हैं, एज अ चीफ जज इन्होंने काम किया बरेसगीर में, तो इन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि मुसलमानों को ब्रिटिश के साथ क्लोज किया जाए, इनकी जो दूरियां हैं वो कम की जाएं, ताकि ये लोग मिलकर बरसगीर के लिए काम कर सकें, ये लोग मिलकर आपस में बैठ सकें। जो अदर रिलीजन्स ने एक नफरत पैदा कर दी थी मुसलमानों के खिलाफ गोरे के दिल में, ब्रिटिश के सामने उसको कम से कम किया जाए, ताकि मुसलमानों को उनके हकूक मिल सकें। सेकेंडली देखते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, 1878-1931,
ये भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लीडर फिगर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक कंप्लीट टॉपिक है। खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर भी बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। जब खिलाफते उस्मानिया खत्म हुई 1923 या 4 में, तो उस वक्त बड़े सगीर में जितने मुस्लिम लीडर्स थे, इन्होंने एक आवाज उठाई, इन्होंने एक कमेटी कायम की, एक मूवमेंट स्टार्ट की कि खिलाफत खत्म नहीं होनी चाहिए। वो एक बहुत लंबा बसी चैप्टर है। बहरहाल, अगर आप कंपटेटिव स्टूडेंट हैं, अगर आपने मुकाबले के इम्तिहान पहले भी दिए हैं या देना चाहते हैं, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ी है, या आपने पाकिस्तान स्टडी डिस्कस की है, पढ़ी है, तो आपको खिलाफत मूवमेंट का पता होगा। बहरहाल, हमने उसकी गहराई में नहीं जाना। हमारा टॉपिक सिर्फ मुस्लिम प्रेस और जर्नलिज्म है, अकॉर्डिंग टू मैस कम्युनिकेशन। खिलाफत मूवमेंट के एक हेड फिगर समझे जाते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1918 में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनकी राइटिंग्स क्या हैं मुस्लिम प्रेस के लिए, मुस्लिम जर्नलिज्म के लिए बरे सगीर में इनकी क्या खिदमात है? हमने सिर्फ उस पोर्शन को देखना है। आप लोग अक्सर एक शेर कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं, पढ़ते भी हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये इनकी एक पूरी नज़म है, पूरी एक पोइट्री है। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की खिदमत है, मुसलमानों को जज्बा दिलाने के लिए, मुसलमानों को जगाने के लिए कि अब ये जो बात है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अब इस बात का मफहूम क्या है? बरेसगीर के मुसलमानों के लिए एक पैगाम था, उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, उनको एक इशारा दिया गया कि किस तरह से करबला की ट्रेजेडी हुई और इस्लाम को फौकियत हासिल हुई, इस्लाम मजबूत हुआ, इस्लाम को जिंदा दोबारा जिंदा किया गया। आप जो भी कह लें, इस्लाम को तकवीयत हासिल हुई किसके बाद? एक ट्रेजेडी के बाद, एक करबला के वाके के बाद। तो इनका मकसद ये था बात करने का बरेसगीर के मुसलमानों के लिए कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने मुश्किल का सामना करना है, आप लोगों ने ये हक व बातिल की जंग लड़नी है, इसके बाद ही आप कामयाब हो सकेंगे और आप लोग आजादी हासिल कर सकेंगे। चूंकि बर्रे सगीर के मुसलमानों का एक नजरिया था, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमारा मजहब और है, इनका मजहब और है, हमारे मजहब के रस्म और रवाज, हमारी इस्लामिक तालीमात और हैं, इनकी और हैं, हम किसी भी तरीके से नजरियाती तौर पर इनके साथ नहीं मिलते, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इसलिए हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए हमें अपनी एक स्टेट चाहिए, हमें अपना एक सेपरेट घर चाहिए मुसलमानों के लिए, जिसमें हम अपनी आजाद मर्जी से रह सकें और हम अपनी आजाद मर्जी से इस्लाम के दिए गए असूलों जवाबित के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। तो इस्लाम को फौकियत देने के लिए, इन्होंने इस्लाम का चर्चा करने के लिए कि मुसलमान हिंदू से सेपरेट है, हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, वी आर मुस्लिम्स, तो हमें अपने रिलीजन को, हमें अपने मुसलमान भाइयों को आजादी दिलवानी है ताकि हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर सकें। हम अपने सेपरेट होम में, अपने सेपरेट रियासत में, घर में, कंट्री में रह सकें और हम इस्लाम को सरबुलंदी के लिए काम कर सकें। तो ये बहुत मुश्किल चैप्टर था, ये बहुत संगीन मसला था, एक कंट्री को सेपरेट करना, आजादी हासिल करना। तो आजादी ऐसे ही हासिल नहीं हो जाया करती,
आजादी के लिए खून रेजियां होती हैं, आजादी के लिए इनकलाब होते हैं, आजादी के लिए लाखों लोगों की जानें निछावर करनी पड़ती हैं, कुर्बान करनी पड़ती हैं। आप अगर जस्ट इस चैप्टर को ही डिस्कस कर लें, किसी अच्छी बुक से पढ़ लें कि हमने किस तरह से आजादी हासिल की ब्रिटिश से, और हम किस तरह से सेपरेट हुए 1947 में, और इस सेपरेशन में कितने लोगों की जाने जाया हुई, कितने लोगों का माल जाया हुआ, कितने लोगों ने अपनी औलादें कुर्बान की, तो ये कुर्बानियों की एक लाजवाब दास्तान है जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कुर्बानियों की वो दास्तान है जिसको रहने दी दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो जब तक हक व बातिल की जंग नहीं होती, कुर्बानियां नहीं होती, तब तक इनकलाब नहीं आया करते, तब तक आजादी हासिल नहीं हुआ करती। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये जो शेर है, ये इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरह से बर्रे सगीर, जिस तरह से हमारे मुसलमानों के जो जद्दे अमजद थे, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद थी, जिस तरह से उन लोगों ने, उन हस्तियों ने, उन ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ने जिस तरह से कुर्बानियां दी और इस्लाम को जिंदा किया, इस्लाम को, इस्लाम की सरफराजी के लिए अपने आप की कुर्बानियों को पेश किया, तो फिर इस्लाम जिंदा हुआ। इस तरह से आप लोगों को भी बर्रे सगीर में मुसलमानों को बचाने के लिए, बर्रे सगीर में मुसलमानों को आजाद करवाने के लिए आपको हक व बातिल की जंग लड़ना पड़ेगी, और फिर आपका इस्लाम जिंदा होगा, और फिर आपको एक सेपरेट कंट्री मिल जाएगा, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट मैसेज है, ये एक मुकम्मल सबक है उन लोगों के लिए जो लोग सोए हुए थे, जिन लोगों को ये एक ऐसी मोटिवेशन थी जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी, ये एक ऐसी मोटिवेशन थी, ये एक ऐसा जज्बा था जिसने लोगों को जंग के लिए तैयार किया, ये एक ऐसा जज्बा था जिसने लोगों को बेदार किया कि अब हमें कुछ करना है, अब हमें लड़ना है। हम मुसलमान हैं, हम किसी भी तरीके से इनसे नहीं मिलते जुलते, इसलिए हमें एक ऐसा कंट्री चाहिए, एक ऐसी स्टेट चाहिए जिसकी आइडियोलॉजी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक कंप्लीट मैसेज था, इनकी पूरी नज़म है, तो जिसको आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल इनके हम राइटिंग्स देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने मुस्लिम प्रेस के लिए काम किया सब कॉन्टिनेंट में, और द कॉमरेड न्यूज़पेपर, ये इनका इंग्लिश न्यूज़पेपर था, अराउंड अबाउट 1911 या 1912 में इन्होंने शाया किया। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस वक्त जितने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स बरसगीर में थे, ये अपने कॉमरेड से पहले ब्रिटिश के डिफरेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी अपने कॉलम लिखा करते थे। अंडरस्टैंड करने बात को, फिर उसके बाद जब इन्होंने अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो डिफरेंट हैं ब्रिटिश के, उनमें जब इन्होंने अपना कॉलम लिखना स्टार्ट किया, तो लोगों ने इनको सराहा कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप लोगों की हमदर्दी के लिए, आप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करते हैं, आप मसाइल को हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से बरसगीर के मसाइल को हल करना चाहिए, किस तरह से मुसलमानों को उनके हकूक दिलवा जाएं, किस तरह से मुसलमान आजादी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से खिलाफत मूवमेंट को तकवीयत मिल सकती है। तो इसके बाद इन्होंने अपना न्यूज़पेपर जारी किया, द कॉमरेड के नाम से इंग्लिश न्यूज़पेपर था। उसके बाद इन्होंने हमदर्द न्यूज़पेपर जो उर्दू में था, अंडरस्टैंड करने। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ हो गई, कुछ मैंने आपको जनरल बता दिया इनकी लाइफ के बारे में कि इन लोगों का मकसद क्या था। तो ये अगर आप अपने पेपर में लिखें तो ये है आपके लिए 10% इंपॉर्टेंट, और ये है आपके लिए 90% इंपॉर्टेंट ये पोर्शन, क्योंकि आप मुस्लिम प्रेस की बात कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने जर्नलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो
तो जर्नलिज्म के हवाले से इनके कॉमरेड, इनके न्यूज़पेपर्स, इनकी बुक्स, इनके स्कॉलरी आर्टिकल्स, सब कुछ आप अपने पेपर में रेफरेंस दे सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ और कंप्लीट स्केच इनका बता दिया है। नंबर थर्ड देखते हैं, मौलाना जफर अली खान। अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या फिर आपने पाक स्टडी को डीपली डिस्कस किया, पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में मैट्रिक एफए बीए लेवल पर, तो आप ये बात जानते होंगे कि मौलाना जफर अली खान को बापाए सहाफत कहा जाता है, द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश राज, कंसिडर्ड फादर ऑफ जर्नलिज्म। अच्छा, अब इनकी राइटिंग्स की तरफ आते हैं कि मौलाना जफर अली खान सहाफत के बाबा हैं, द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट। तो इनकी कौन सी ऐसी खिदमात हैं जिनकी वजह से हमारे मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के सिलेबस में इनको शामिल किया गया है? तो देखते हैं, इनका एक अखबार था जमींदार न्यूज़पेपर, जो 1911 में शाया हुआ, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बयान की, मुसलमानों की क्या तकलीफ है, इस इलाके के क्या रस्म रवाज हैं, किस तरह से मुसलमानों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, खिलाफत कमेटी, तो डिफरेंट जितने भी मुसलमानों को मेन इश्यूज थे, ये इनको हाईलाइट करते थे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? और कुछ जो है, जो उस वक्त की एग्रीकल्चर और जमींदारों के मसाइल थे, लैंडलॉर्ड्स के, जो लोग जमींदार हैं उनके जो मसाइल थे, उनको भी इन न्यूज़पेपर्स में डिस्कस किया जाता था। जफर अली खान, अच्छा, जमींदार न्यूज़पेपर को आपने लाजमी मेंशन करना है, जफर अली खान ट्रस्ट, जफर अली खान अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट, जफर अली खान का एक अवार्ड भी चलता है जर्नलिस्ट को जो दिया जाता है, बेस्ट परफॉर्मेंस। इनकी बुक्स कौन सी हैं? कुलियाते जफर अली खान, बहारिस्तान, चमनिस्तान एटसेट्रा। तो ये अकॉर्डिंग टू जर्नलिज्म, अकॉर्डिंग टू मैस कम्युनिकेशन, हमने इनको एक ब्रीफ देखा है कि किस तरह से इन लोगों ने मुस्लिम प्रेस के लिए काम किया, मुस्लिम जर्नलिज्म के लिए इन लोगों ने कैसे काम किया। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आपके माइंड में एक कंप्लीट स्केच बन चुका होगा कि सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, इन लोगों के तज़किरे आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। इन लोगों की जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं फॉर द पीपल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो पहले भी आपकी नजर में होंगी, लेकिन हमने अपने मैस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली सिर्फ टारगेट करना है इनकी जिंदगी का वो पोर्शन जिसने मुस्लिम प्रेस के लिए काम किया, जिसने जर्नलिज्म के लिए काम किया, उसको हमने सिर्फ डिस्कस करना है, और वही आपने अपने पेपर में मेंशन करना है। तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन गूगल पर जाकर इनको डिस्कस करें, इनको पढ़ें, इनके अपने नोट्स बनाएं। नोट्स मैं भी बना रहा हूं, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपके सामने आ जाएंगी चीजें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।